फॉर दिस पर्पज यानी कि गैशस एक्सचेंज प्लांट में हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्लांट ब्रीद करते है। ठीक है बट इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता जैसे हम बात करें हम एनिमल के अंदर आते ह्यूमन राइट हमारे पास पूरा स्पेशलाइज ऑर्गेन है नोज है ट्रैकिया है फिर जाके लंग्स है ताकि हम अच्छे से क्या कर सकें हम अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकें लेकिन प्लांट्स के पास कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता जब ये ब्रीद करते हैं जब इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है तब ये होता है थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स ठीक देखिए पोर्स होते हैं ये छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जो स्टोमेटा होता है वो लीफ पे पाया जाता है लीफ पे ये ओपनिंग आपको मिलेंगे और लेंटी सेल जो होते हैं वो स्टेम या, या रूट पे पाए जाएंगे प्लांट के स्टेम या रूट पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं लेंटी सेल उसके थ्रू प्लांट क्या करता है गैसियस एक्सचेंज करता है ठीक देखिए देर आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत सारे कारण हैं जिससे ये पता चलता है कि प्लांट को ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है प्लांट के लिए ये पोर्स ही काफ़ी है एनसीआर में बहुत सारे रीजन है तीन रीजन है एक्चुअली में तीन रीजन एन ने, ने मेंशन किया है जिससे हम ये समझ जाएंगे कि क्यों प्लांट्स को प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होने के लिए कोई organ की ज़रूरत नहीं है अरे भैया हम एनिमल हैं ह्यूमन है हमें अगर गैसेस एक्सचेंज करना है तो हमारे पास वेल well डेवलप्ड organ है ऑर्गन्स है नोज है ट्रैकिया है लंग्स है लेकिन प्लांट के केस में जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो पोर्स के थ्रू ही हो जाता है प्लांट को कोई रेस्पिरेटरी organ की ज़रूरत नहीं है ऐसा क्यों तीन कारण है हम डिस्कस करेंगे पहला कारण है फर्स्ट ज नीड्स जो प्लांट के जितने भी पार्ट है ना इच पार्ट ऑफ प्लांट वो टेक केयर वो ख्याल रख लेते हैं अपना गैस एक्सचेंज का जैसे लीफ लीफ में आप याद करो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए सीओ टू की जरूरत है तो लीफ में क्या होता है स्टोमेटा होते हैं स्टोमेटा से एटमोसफेयर का सीओ टू आता है और फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसेंथिसिस के बाद क्या बनता है याद करो ऑक्सीजन बनेगा अब कुछ ऑक्सीजन तो ये एटमोस्फेयर में छोड़ देता है ठीक है हमारे लिए और कुछ ऑटो का यूज़ करके ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं तो देखो कितना एक तो इनका नीड कम है ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं है ठीक है ऑटो की रेस्पिरेशन के लिए कम ज़रूरत है ऑटो की तो यहाँ तो फोटोसेंथिस करके खुद ही ऑटो बना लेते हैं प्लांट फोटोसेंथिस करके रेस्पिरेशन में जो ऑटो यूज़ होगा ठीक है और सी टू की जरूरत पड़ती है इन्हें तो सी टू ये कहाँ से ले लेते हैं एटमोस्फेयर से अब जरूरी नहीं यहां से सी टू आएगा और बाकी दूसरे लीफ में जाएगा जितना पत्ता है ना अगर इस पत्ते में फोटोसेंथेसिस होना है पत्ते वन में फर्स्ट पत्ता में तो इनके पास भी पोर्ट्स है स्टोमेटा से एंटर करेगा सी टू इसीलिए कोई ऑर्गेन सिस्टम की जरूरत नहीं है जैसे हमारे बॉडी में अगर हमें मैं अपने अपना हाथ ऐसे मोड़ रहा हूँ मुठ्ठी को ऐसे मोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे सेलुलर एक्सपाइरेशन हो रहा होगा राइट तभी यहाँ एटीपी एनर्जी बन रहा होगा मसल्स मूव कर रहा हूँ ना मैं राइट समझ रहे हो ना तो यहाँ पे क्या अब अब इस हाथ को ऑक्सीजन चाहिए ओटू से सेलुलर एक्स्पायरेशन होता है तो एनर्जी बनता है ना जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ ऐसे से कर रहा हूँ इसमें भी तो एनर्जी लग रही है तब तो यहाँ पर ओटू भी होगा अब यहाँ ऑटू कैसे पहुंच रहा होगा क्या मेरे हाथ में छोटे छोटे पोर्स है हाँ नहीं मेरे पास एक पूरा का पूरा ऑर्गेन है ठीक है ऑर्गेन है इसलिए अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचाना मेरे हाथ को तो मैं यहाँ से लूंगा लंग्स में जाएगा और यहां से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा तो हमारे पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है प्लांट के पास नहीं है प्रॉपर नहीं इनके पास छोटे छोटे पोर्स है क्योंकि इनका जो ईच पार्ट है ना ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज ठीक है अगर तुम मेरी नाक बंद कर दो नाक को बंद कर दो मुंह को बंद कर दो एकदम पूरा से तो क्या मेरा हाथ खुद ब खुद ऑक्सीजन ले लेगा से ऐसा सेटमोसफेयर में छोड़ दूंगा मेरे हाथ में थोड़ी पोर्स से छोटे छोटे तो एनिमल के केस में क्या होता है ना हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो मेरे पाँव तक मेरे हाथ तक पूरा ऑक्सीजन सर्कुलेट कराएगा ठीक है कौन ये जो ऑर्गेन सिस्टम है प्लांट के केस में इतना दूर ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं होती है गैस की ऑक्सीजन या ओ टू की प्लांट को तो क्या सीओ टू चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो ये जो सीओ टू है ना अब जैसे इस तीसरे ये पहला था ये दूसरा ये तीसरे पत्ते को अगर फोटो करना है तो ये वाला पत्ता इस पत्ते से जो सीओ टू घुसा ये तो इसके लिए इस पत्ते के पास भी अपना छोटा छोटा पोर होगा स्टोमेटा से आ जाएंगे ठीक है तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है ज्यादा दूर ट्रांसपोर्ट करने की जो ईच पार्ट प्लांट है वो टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज इसीलिए इनके अंदर कोई एक बहुत ही अच्छा खासा वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं होता ठीक क्योंकि हर एक पार्ट प्लांट का टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स अब बहुतों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे केस में तो हम ओटू लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और सी छोड़ते हैं तो ये गैसेस एक्सचेंज हुआ प्लांट के केस में प्लांट सी लेता है और ओटू छोड़ता है और थोड़ा ऑटू अपने लिए रेस्पिरेशन के समय भी रख लेता है ठीक सही है अब आप सोचोगे सर प्लांट क्या ओटू लेता है सी तो हम समझ गए ओटू लेता है एटमोसफेयर से ना के बराबर बहुत कम क्योंकि प्लांट जब सी टू लेता है ना तो जब ये ऑक्सीजन बनाता है एटमोस्फेयर में देने के लिए तो अपने लिए कुछ ऑक्सीजन ये रख लेता है ताकि रेस्पिरेशन में काम आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में और एनर्जी बनेगा ए टी पी बनेगा बहुत कम चांस है बहुत कम चांस है कि प्लांट एटमोस्फेयर से ओ टू लेगा ले सकता है उसके पास मैकेनिज्म गैसेस एक्सचेंज का लेकिन बहुत कम ना के बराबर ठीक है ना के बराबर अभी के लिए तो आप इतना ध्यान रखो ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जब हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा पढ़ेंगे, के हो रहा है ना पे है, है, जब जब हम प्लांट, प्लांट में जब हम वाला पढ़ेंगे, तब हम में वाला तब अच्छे से करेंगे, ठीक? चलिए, अब देखते हैं, जो होता है, वो एक फास्ट प्रोसेस है ठीक है और रेस्पिरेशन हमने कहा था के लिए देखो सीओ टू तो धराधा स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रहा है और फोटोसेंथ्रिस धराधर चलता रहता है और ऑटो बनता है अब ये ऑटो जाता है रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है आराम आराम से चलता है इसीलिए ऑटो की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है ऑटो रहता ही है क्योंकि फोटोसेंथ्रिस तो धराधर चलते जा रहा है ऑटो बनते जा रहा है बहुत ऑटो एटमोस्फेयर में जा रहा है और कुछ ऑटो रेस्पिरेशन में जा रहा है और रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है आराम से चलता रहता है फोटोसेंथ्रिस फास्ट प्रोसेस है तो इस प्लांट के अंदर कभी ऑटो की कमी आती नहीं है अरे भाई इनके पास तो इतना है कि एटमोसफियर में दे दे रहे <laughs> तो ये अपने लिए तो थोड़ा बहुत बचा ही लेंगे ना क्यों क्योंकि ओ बनता रहता है धर फोटोसेंथिस लाइट के टाइम डे के टाइम चलती रहती है ठीक लाइट रिएक्शन आपने पढ़ा था लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन सी अंदर आता है फोटोसेंथिस में पढ़ा था ना डार्क रिएक्शन के टाइम सी लेते हैं और ग्लूकोज बनता है फूड बनता है राइट चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए देर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर जो चीज मैंने आपको समझाया अभी ये पत्ता को अगर सी टू चाहिए तो ये डायरेक्ट एटमोसफेयर से ले लेगा दूसरे पत्ते को अगर सी टू चाहिए तो ये भी डायरेक्ट एटमोसफेयर से ले लेगा ऐसा नहीं कि ये पत्ता यहाँ से एटमोसफेयर लेके ट्रांसपोर्ट करेगा इस पत्ते के पास नहीं, नहीं 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 ये हमारे अंदर होता है ठीक है अगर हमारे बॉडी के लेग पार्ट को पाँव को ठीक है पाँव को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो कौन देगा नाक से लेंगे यहाँ से आएगा ओ टू लंग्स में जाएगा वहाँ से ब्लड के थ्रू ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है हेमोग्लोबिन जानते हो ना प्रोटीन एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ोगे हेमोग्लोबिन जाकर ऑक्सीजन बाइंड करता है आरबीसी रेड ब्लड सेल तो वो ऑक्सीजन उस तरीके से ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है ठीक है ट्रांसपोर्ट होता है हमारे अंदर लेकिन प्लांट के अंदर देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ना के बराबर होता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट तो कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो ये पहला कारण है आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक कि क्यों देर इज अ रीजन वाई बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गैन कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गैन के भी प्लांट जो है वो आराम से ब्रीथ कर लेते हैं क्योंकि इन, क्योंकि इनका हर एक पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स देर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू वन अदर चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा रीजन देखते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अब देखते हैं दूसरा रीजन प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज गैस एक्सचेंज का ज़्यादा डिमांड आपको प्लांट में देखने को नहीं मिलेगा इनको गैस सीओ टू आता है CO2 टू आएगा फिर उससे O2 बनाएगा प्लांट ठीक है फोटोसिंथेसिस और O2 को यूज़ करेगा CO2 टू आया तभी ना O2 बना और कुछ O2 बाहर छोड़ देगा कुछ ओटो अपने पास रखेगा एनर्जी बनाने के लिए सेलुलर एक्सपायरेशन करके एनर्जी बनाएगा ठीक लेकिन प्लांट में आप बताओ प्लांट ज्यादा एनर्जी खर्च करता है कि एनिमल ज्यादा एनर्जी खर्च करता है आप कहोगे सर एनिमल क्यों क्योंकि देखो प्लांट में प्लांट लैक टू मेनी एनर्जी यूटिलाइजिंग सिस्टम लाइक मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह जाना है नहीं हम जाते हैं मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट होता है लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं राइट तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो हमारा जो डिमांड है ऑक्सीजन का ज्यादा है प्लांट का कम होता है वो एक ही जगह रहते हैं एक ही जगह रहते एक ही जगह स्थित स्थिर रहते हैं इधर उधर हिलते डुलते नहीं है तो एनर्जी उतनी खर्च होती नहीं है ठीक तो जो सीओ आया उससे फोटोसेंथइस हुआ ओटू बना थोड़ा बहुत ओटू का ही वो यूज़ करके एनर्जी बना लेते हैं और ज़्यादा एनर्जी उनको खर्च भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा एनर्जी वो यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि उनके अंदर तो मस्कुलर सिस्टम नहीं है नर्वस सिस्टम नहीं है नर्वस सिस्टम जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम है अगर हमारे बॉडी पे आके कोई एक इंसेक्ट बैठ जाए कोई एक चिड़िया आके बैठ जाए तो हम फटाक से रिफ्लेक्स कर रिफ्लेक्स होता है पूरा न्यूरो न्यूरोन काम करते हैं हम फटाक से झटका मार के उस चिड़िया को उड़ा देते हैं मतलब हटा देते हैं अपने बॉडी से कोई इंसेक्ट आया स्नेक चढ़ गया हमारे ऊपर तो हम डर जाते हटा देते नर्वस सिस्टम है प्लांट के पास ऐसा कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं है प्लांट के ऊपर देखते हो चिड़िया आके बैठता है प्लांट क्या उड़ाता है चिड़िया को चिड़िया आके अंडे देता है घोंसला बना देता है सांप आके प्लांट के ऊपर रहता है प्लांट नर्वस सिस्टम नहीं है ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं यूटिलाइज ही नहीं करता होता एनर्जी को तो प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज अब ज़्यादा डिमांड ही नहीं है उनको गैस एक्सचेंज का तो डेवलप्ड ऑर्गेन रेस्पिरेटरी ऑर्गैन लेके क्या करेंगे तो इसीलिए उनके पास स्पोर्ट्स होता है स्टोमेटा लिंटिसल उसी से काम चल जाता है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गैन की ज़रूरत नहीं है जैसे हमारे पास है लंग्स है राइट हम अगर मैं अपना हाथ को थोड़ा ऐसे मोड़ू तो उसमें भी मुझे एनर्जी लग रही है राइट right? एनर्जी लग रही है तो उसके लिए ऑटो लगेगी तो मैं ज्यादा ऑटो लूंगा एनिमल्स का जो डिमांड होता है फॉर गैस एक्सचेंज ज्यादा होता है हमें ऑटो की ज्यादा जरूरत है अरे हमें पाँच छह मिनट ऑटो ना मिले हम तो खत्म ही हो जाए ठीक है समझ रहे हो ना चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल टू हमारे अंदर रेस्परेशन बहुत तेजी से तेजी से चलता रहता है लेकिन रूट और स्टेम है ना स्लो प्रोसेस है रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स कंपेयर टू एनिमल वो कम रेस्पायर करते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी डिमांड उतनी है नहीं ठीक है उतना उनको मूव वूव करना नहीं है उनका पत्ता भी खुद से नहीं उड़ता जब हवा चलती है तब हिलता है राइट right? ब्रांच भी कब हिलता है जब हवा चलती है खुद कभी देखा है बिना हवा के पेड़ ऐसे अपना डहनी लहरा रहा है ऐसा कोई पेड़ है तो उसके पास से भाग जाना आत्मा आत्मा हो गया <laughs> भूत प्रेत रहता हो पेड़ पे <laughs> तो रूट स्टेम्स एंड लीव्स रिस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल हम ज्यादा रेस्पायर करते हैं जिससे कहा मुझे भी ऐसे हाथ ये करना है अपना हाथ हिलाना है राइट मैं ऐसे हाथ हिला पा रहा हूँ क्यों क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ठीक है ऑक्सीजन है तो रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ के सेल्स में एटीपी बन रहा है तो एकदम मैं हाथ क्या कर रहा हूँ हिला पा रहा हूँ राइट मस्कुलर सिस्टम जो है मेरा एक्टिव है नर्वस सिस्टम मेरा एक्टिव है क्यों क्योंकि मेरा जो मैं कंटिन्यूस मैं देख रहा हूँ रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है एनिमल्स में ज्यादा है मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ ले रहा हूँ यहाँ से कंटिन्यूस ऑक्सीजन ले रहा हूँ प्लांट के केस में क्या है सी आया टू हुआ उससे ओ मिला ओ मिला फिर उसके बाद थोड़ा ओ -थो काम लेते हैं थोड़ा ओ काम लेते हैं और अपना सेलुलर रिस्पायरेशन करके एनर्जी बना लेते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उतनी ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि उतना ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजिंग सिस्टम ही नहीं है उनके पास देखो यहाँ पे ना प्लांट्स लैक टू मेनी एनर्जी यूटिलाईजिंग सिस्टम ठीक तो इसीलिए रूट स्टेम्स एंड लीव्स रिस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू ठीक पेड़ को एक जगह रहता है ऑटोट्रॉप करता है अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेता है एक जानवर एक लायन को जब भूख लगती है तो वो दौड़ता है भागता है हिरन के पीछे कितनी तो एनर्जी खर्च होती होगी क्या रेट ऑफ रेस्पिरेशन चलता होगा एनिमल के सेल में तो इस तरीके से समझो थोड़ा क्रिएटिव बनो ताकि कॉन्सेप्ट जितना क्रिएटिव तुम्हारा दिमाग होगा उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और तुम्हारे दिमाग को क्रिएटिव करने का काम मेरा है ठीक है मैं तुम्हें बोलूंगा सोचो तो सोचना उस चीज़ को कॉन्सेप्ट समझ जाओ खुद से भी सोचना है ऐसा नहीं कि मैं जब बोलूँ तभी सोचना डेमोक्रेसी है भाई ठीक है डिक्टेटरशिप <laughs> थोड़ी है चलो आगे देखते हैं ओनली ड्यूरिंग फोटोसेंथिसिस ओनली ड्यूरिंग फोटोसेंथिसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज्ड ड्यिंगोटोसेंथिस फोटोसेंथिस photosynthesis. Photosynthesis के समय प्लांट में सबसे ज्यादा एक्सचेंज देखा जाता है सी ओटू लेता है ना प्लांट और ओटू बाहर छोड़ता है एटमोसफेयर में और थोड़ा ऑटो अपने लिए भी बचा लेता है बहुत कम ही केसेस में आप देखोगे की जो प्लांट है ना लीफ है वो एटमोसफेयर से ओटू ले रहा है ले सकता है लेकिन बहुत ना के बराबर लेता है ठीक ईच लीफ इज वेल एडेप टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड कौन ऑटो वाला आ गया बैकग्राउंड नॉइज दे रहा है. चला गया छोड़ा हटा अब ये ये पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया ना ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स राइट अभी आपको इससे मैंने समझाया था ये लीफ ये अपना आराम से ओटू ले लेगा ले एटमोसफेयर से दूसरा लीफ है ये भी इसके पास भी स्टोमेटा है ये भी ले लेगा ले ठीक तीसरा लीफ ये भी ले लेगा ले तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया ठीक किस तरीके से सी ओटू जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है प्लांट में वो हम स्टोमेटा के बारे में हर चीज कैसे जा रहा है एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो हम कहा सीखेंगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में यहाँ तो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ना चलो नेक्स्ट पॉइंट वेन सेल्स फोटोसेंथिसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑटो इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस सेल्स सिंस ऑटो इज रिलीज विद इन द सेल जैसा कि मैंने आपको कहा जब फोटोसेंथिस करता है हमारा लीफ तो ऑटो बनता है इतना ऑटो रहता है कि एटमोसफेयर में देता है और अपने लिए भी बचा लेता है और फोटोसिंथिस फास्ट प्रोसेस है धरा चलता रहता है ऑटो बनता रहता है और हमारा प्लांट के लिए कभी ऑटो की कमी होती नहीं क्योंकि प्लांट तो खुद सी ओटू लेकर ऑटो बना रहा है एटमोस्फेयर में भी दे रहा है अपने पास भी रख रहा है तो वेल्फ फोटो सिंथिसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ओटू इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस सेल्स सिंस ओटू इज रिलीज विद इन द सेल ठीक अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रीजन की तरफ तो मूविंग ऑन टू तो द नेक्स्ट स्लाइड चलिए अब थर्ड रीजन देखते हैं कि क्यों प्लांट में डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गेन नहीं होता स्टोमेटा और लेंटी सेल से एक काम चल जाता है तो थर्ड रीजन है पहला पॉइंट द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट अब प्लांट कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए कितना भी बल्कि लार्ज uh, क्यों ना हो जाए इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है ना गैस का एक पार्ट से दूसरे जगह बहुत ज़्यादा नहीं होता द डिस्टेंस दैट गैस इज़ डिफ्यूज गैस एंटर करती है और डिफ्यूज होता है गैस का वो ज़्यादा नहीं होता भले ही पेट कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन एनिमल के, के केस में आप देखो हाथी हाथी वो अपना सूंड जो है उधर पे वहाँ से वो जो मुँह है उधर से सांस लेता है और पीछे पूरा पूँछ तक उन उसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है तो कितना लंबा ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैस का डिफ्यूज़ कितना लंबा हो रहा है राइट तो इसीलिए उनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन है एलिफेंट के पास हमारे पास वेल डेवलप्ड ऑर्गेन है नाक से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं यहाँ पे नाक मुंह जो है नाक हमारा पूरा नोज ऑर्गेन ट्रैक या लंग्स काम कर रहा है और हमारे पाँव तक पाँव तक क्या हो रहा है ऑक्सीजन जा रहा है राइट right? ब्लड के थ्रू जा रहा है बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं है प्लांट कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए ठीक है जो डिफ्यूज होगा गैस का गैस का जो डिफ्यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ज्यादा लंबा नहीं होता इज नॉट ग्रेट क्यों क्योंकि ईच लिविंग सेल जितने भी लिविंग सेल होते हैं ना प्लांट में, वो सब के सब लोकेटेड होते हैं क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट प्लांट के सर्फेस पे लोकेटेड होते हैं लिविंग सेल और लिविंग सेल को ही तो चाहिए टू रेस्पिरेशन के लिए राइट right? तो देखिए आपने देखा होगा इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड द बार्क एनाटॉमी जब आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो एक बार मैं याद दिला देता तो हूँ आपको आपको अच्छी समझ में आ जाएगा थर्ड रीजन ये थोड़ा बड़ा रीजन है पर आपको समझ में आ जाएगा सुनते रहना इन स्टेम द लिविंग सेल्स जो होते हैं ना लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर इन साइड एंड बनीथ द बार्क याद करो बार्क क्या होता है छाल जिसे हम छाल कहते हैं वुड वुड हो गया अंदर में वुड और बाहर की तरफ बार्क छाल होता है जैसे ये देखो इसको जूम करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे आपको ऐसे ओपनिंग्स दिखाई दे रहे ओपनिंग्स यही लेंटी सेल है इसके थ्रू गैस जो होता है वो डिफ्यूज करता है

अंदर की तरफ एकदम अंदर आपको मिलेगा वुड डेड टिश्यू है वुड ठीक है और बाहर की तरफ आपको मिलेगा बार्क और इन बार्क पे प्रेजेंट होते हैं ओपनिंग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन है स्टेम का ठीक है अंदर में एकदम वुड है डेड टिश्यू है तो इन्हें तो गैस की जरूरत नहीं है ठीक है इनको तो रेस्पिरेशन नहीं करना पर बाहर की तरफ देखो बार्क है बाहर वाला जो लेयर है थिन लेयर बार्क का है और उसी के जस्ट बीनीथ अंदर की तरफ ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं ना ये सब क्या है लिविंग टिश्यू है तो इनको जरूरत है किसकी गैस की ओटो की ताकि ये रेस्पिरेशन करे कहां से मिलेगा वो लेंटी सेल्स है लेंटी सेल्स है लेंटी सेल्स यहाँ से गैस डिफ्यूज कर ले आएगा आराम से तो जो लिविंग सेल्स होते हैं ना प्लांट का जो लिविंग सेल्स वाला पार्ट है लिविंग पार्ट है वो सरफेस के क्लोज है अंदर की तरफ तो वुड है डेड सरफेस के तरफ पेरी के तरफ बाहर की तरफ कौन से पार्ट है प्लांट की लिविंग पार्ट जो लिविंग सेल्स से, है ठीक है चलिए देखिए यहाँ लिखा है ना इच लिविंग सेल इन प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू तो द सर्फेस ऑफ द प्लांट और लिविंग सेल को क्या करना है रेस्पिरेशन और यहाँ पे देखो बार्क है बार्क बाहर की तरफ और वहां पे लेंटी सेल प्रेजेंट है छोटे छोटे पोर्ड इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा ठीक तो इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर्स ये लिविंग सेल्स थीयर इन साइड एंड बिनीथ द बार्क बार्क के अंदर की तरफ जस्ट नीचे बीनीथ ठीक चलिए दे ऑल्सो हैव ओपनिंग्स कॉल लेंटी सेल इसल के थ्रू ये जो बार्क में मैंने आपको दिखाया था ना ये देखो ये बार्क है यहाँ पे आपको ओपनिंग्स दिख रहा होगा ये लेंटी सेल है ठीक है इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है स्टेम में द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट अंदर में वुड है इंटीरियर अंदर की तरफ ठीक है ये डेड सेल होते हैं पर इनका अपना एक फंक्शन है ये क्या करते हैं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं अरे भाई इतना लार्ज बल्की प्लांट है ठीक है मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए वुड है बाहर की तरफ बार्क है और यहाँ पे लिविंग सेल्स है और इन लिविंग सेल्स को रेस्पिरेशन करना है तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है गैसेस कहाँ से डिफ्यूज हो रही है लेंटी सेल्स है गैसेस एक्सचेंज से अच्छा मैं गैस डिफ्यूज बोलू तो सही है क्योंकि गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्ब की प्लांट ठीक है कैसे हो रहा है लार्ज बल्ब की प्लांट में गैसेस डिफ्यूज लेंटी सेल के थ्रू नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट ऑफ द प्लांट मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सर्फेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर ठीक है जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं ना प्लांट के लिविंग सेल्स ठीक है उनका जो पार्ट होता है कुछ पार्ट जो होते हैं जो लिविंग है वो कहाँ होते हैं सरफेस की तरफ होते हैं इन कॉन्टेक्ट विद एयर और राइट चलो नेक्स्ट पॉइंट अब ये पॉइंट जरूरी है इसे अच्छे से समझना दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज यानी कि जो फैसिलिटेड मतलब गैस गैस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ सेल्स इन स्टेम एंड पैरेंटाइमासव स्टेम और रूट में ना क्या होता है गैस डिफ्यूजन देखो जब होता है ठीक है प्लांट के लिविंग पार्ट में तो वो जो लिविंग पार्ट है ना ठीक है जहां पे गैस डिफ्यूज हो रहा है जहां पे आपको रेस्पिरेशन कराना है जैसे लीव हो गया स्टेम हो गया रूट हो गया तो यहां पे आपको पैरन सेल्स मिलेंगे तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू आप जानते हैं पेरनकाइमा कोलनकाइमा स्क्लेरनकाइमा जो पेरन कायमा टिश्यू है वो पेरनकाइमा सेल्स के बने और पैरनकाइमा सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होता है अच्छा खासा होता है लूजली पैक्ड होते हैं तो इनके थ्रू गैस जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है आराम से ठीक है तो देखो दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड यानी कि जो गैस डिफ्यूजन है ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई द लूज पैकेजिंग ऑफ पैरेंटमा सेल इन लीव लीफ में तो स्टोमेटा है स्टेम स्टेम के थ्रू और रूट के थ्रू मतलब स्टेम और रूट में तो लेंटी सेल है तो उसके थ्रू गैस का डिफ्यूजन होगा लीफ में स्टोमेटा के थ्रू होगा और इन स्टेम लीफ और रूट में क्या होते हैं बहुत सारे पेरेंट कामा सेल्स होते हैं जो लूजली पैकेज होते हैं और यही क्या प्रोवाइड करते हैं पेरेंट कैमा सेल एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस तो स्पेसेस बन जाता है इंटर सेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है तो वो एक तरह से एयर स्पेस की तरह काम करते हैं उसके थ्रू गैस जो है डिफ्यूज़ हो जाता है आराम से ठीक है तो बहुत ज़्यादा दूर डिफ्यूजन नहीं कराना है शॉर्ट डिस्टेंस होता है बहुत कम डिस्टेंस यहाँ पे लिखा है ना द डिस्टेंस दैट गैस इज मस्ट डिफ्यूज इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट नॉट ग्रेट ऐसा नहीं, नहीं होता है होता है बहुत कम डिस्टेंस में होता है नहीं तो यहाँ सीधा सीधे लिख देते ना कि देर इज़ नो क्या कहते हैं गैस डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऐसा नहीं है नहीं होगा होगा गैस डिफ्यूजन होगा पर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है ठीक और वो जो गैस डिफ्यूजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है किस कारण से हो रहा है गैस एंटर कैसे कर रहा है स्टोमेटा लेंटी सेल के थ्रू और डिफ्यूजन कैसे हो रहा है क्योंकि वहां पर लूज पैकेजिंग है पैरें कायमा सेल का तो वो एक एयर स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं प्रोवाइड ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कुछ टफ नहीं है सब इजी है एक बार रीड मारोगे ना सारे पॉइंट अच्छे समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे हमने तीन कारण देखा कि क्यों प्लांट जो है उनको वो ब्रीथ तो करेंगे गैसेस एक्सचेंज होगा लेकिन बहुत उसके लिए ब्रीथ करने के लिए बहुत ज्यादा डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है स्टोमेटा और लिंटिसल पोर्स से ही काम चल जाता है स्टोमेटा लीफ में होंगे और जो आपका क्या कहते हैं एल सेल है वो स्टेम और रूट में होंगे अब यहाँ पे ना आपको गैस के ट्रांसपोर्ट को लेके उतना चिंता नहीं करना है किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है कैसे गैस जो है वो छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कैसे कर रहा है लूजली अरेंज लूजली पैक्ड पैरेंट कईमा है ये सब चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है ना इन प्लांट्स ये हम अच्छे से पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में यहाँ तो बस एक छोटा सा टॉपिक था डू प्लांट्स ब्रीथ इस चीज़ को समझाने के लिए अच्छे से कि क्यों प्लांट में ज़्यादा वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गेन की जरूरत नहीं है मुझे आपको इतनी कहानी कहनी पड़ी इस लेक्चर को ना ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना कि यार इतना कुछ सर ने बोल दिया मुझे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा अच्छे से समझ में आएगा जब आप ट्रांसपोर्ट वाला लेक्चर पढ़ोगे ठीक है इसीलिए मैं हर एक चैप्टर को ना उस ढंग से पढ़ा रहा हूँ पहले मैंने फोटोसाइंटिस्ट पढ़ाया फिर मैं रेस्पिरेशन पढ़ाया फिर मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा अगर मैं रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्ट कोई पहले पढ़ा देता ना तो आपके दिमाग में पूरा खिचड़ी बन जाता कि बायोलॉजी सिर्फ रटना नहीं है समझ के रटना है रटना है बायोलॉजी आई नो कि बायोलॉजी बिना रटे कुछ नहीं होगा लेकिन समझ के रटो वो फायदा है ठीक लंबे समय तक याद रहेगा तो यहाँ पे हमने तीन कारण देखा ठीक है चलिए तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त